फर्रुखाबाद शुरू से ही शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा था। समय के साथ शिक्षा का प्रसार भी हुआ। दूर दराज इंटीरियर में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व डिग्री कॉलेज भी खोले गए। शहर को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी मिला। ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोले गए। टेक्निकल एजुकेशन के लिए ITI सफलतापूर्वक चल रहा है। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूट भी चल रहा है। इन डिग्री कॉलेजों या संस्थानों में शिक्षा का स्तर भले ही स्तरीय न हो, लेकिन शिक्षा का प्रसार हुआ। जो भी सरकार आई, उसने नए नए प्राइवेट इंटर व डिग्री कॉलेज बांटने में कोई कोताही नहीं बरती। कभी फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद के स्कूल कॉलेजों ने नकल के झंडे गाड़े थे, जो अब हो सकता है पहले से कम हुआ हो। यूपी में शिक्षा नकल माफियाओं के हाथों में थी। जिसको जहां मौका मिला, उसने वहां स्कूल कॉलेज खोले लिए। लेकिन फर्रुखाबाद को जो चाहिए था नहीं मिला। न तो कभी किसी ने मांगा और न ही सरकारों ने सोचा। हाँ, हम जिसके पात्र नहीं है वो सौगात दे दी गई। जैसे जरदोजी, हैंड व ब्लॉक प्रिंटिंग को मरने दिया गया। टेक्सटाइल पार्क के लिए OPDP दे दिया गया, जिसका आज तक अता पता भी नहीं है। हस्तशिल्प व आधुनिक छपाई के लिए एक इंस्टीट्यूट की अत्यंत आवश्यकता। कभी किसी ने नहीं सोचा। फर्रुखाबाद मूलतः एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ आलू के लिए विशेष एक कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, जो आलू की खेती का गणित बदल क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। कृषि आधारित पोटेटो इंडस्ट्री की शीघ्र आवश्यकता है, जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। इसके लिए हमारे निष्क्रिय जनप्रतिनिधि पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अभी हाल ही में एक नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। किसके लिए और क्यों? क्या इसकी जगह पोटेटो विशेष के लिए सरकारी कृषि विश्वविद्यालय नहीं खोला जाना चाहिए था? फर्रुखाबाद को एक साइंस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की सख्त जरूरत है। BCA, MCA लिए एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आज की आवश्यकता है। शिक्षा को इंडस्ट्री बना दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में चल रही लूट पर अंकुश के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। भूमाफियाओं की तरह नकल माफियाओं पर भी सख्त कार्यवाही होना समय की मांग है। अगर शिक्षा का स्तर सुधारना है तो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बंद करने के बजाय हर तहसील में एक गवर्नमेंट स्कूल खोलना होगा। ध्यान देने की बात है, अगर ब्लैक बोर्ड व विद्यार्थी के मध्य कम्युनिकेशन अच्छा है तो शिक्षा का स्तर स्वतः अच्छा होगा। नतीजतन ट्यूशन बाजी पर भी अंकुश लगेगा। फर्रुखाबाद की स्थापना के बाद से आज तक अगर कृषि को मरने दिया गया तो ये फर्रुखाबाद के साथ तीसरी त्रासदी होगी। शिक्षा में निरंतर गिरावट का मूल कारण है यूपी बोर्ड का ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बरकरार न रखना। अगर ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बरकरार रखा जाए तो यूपी बोर्ड IIT की तरह अपनी पुरानी ग्लोरी बरकरार रख सकता है।